जैसे ही ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप पर लग जाते हैं कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और आपको दिए जाते हैं कई तरीके के इंस्ट्रक्शंस। कई बार घर के बूढ़े बुजुर्ग इन बातों के पीछे का रीज़न आपको नहीं समझा पाते हैं, लॉजिक नहीं समझा पाते हैं। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज रहते हैं आपकी बातों को माने या नहीं माने, अगर नहीं माने तो क्यों नहीं माने और अगर माने तो क्यों माने। तो आज के इस वीडियो में चूंकि होली नज़दीक है, एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिस पर हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो। अगर आप प्रेगनेंट हो तो आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि होलिका दहन प्रेगनेंसी में नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ पूरे रीजंस के साथ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद अगर आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होंगी, जो चाइल्ड केयर से रिलेटेड होंगी, जो गर्भ संस्कार से रिलेटेड होंगी, उनको अगर आप पाना चाहते हैं, सही जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है ये जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले का समय और था, महिलाएं घरों तक सीमित थी। अब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं की तादाद ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें किसी भी बात के पीछे का लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। अगर लॉजिक के साथ किसी बात को समझाया जाए, साइंस के साथ किसी बात को समझाया जाए, तो बात की पकड़ थोड़ी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि होलिका दहन आपको नहीं देखना है, वो क्यों दिया जाता है। सबसे पहला रीजन, होलिका दहन जहाँ भी होता है वहाँ काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर आप जाते हैं तो धक्का लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हो सकता है कि धक्के की वजह से आप गिर जाएं, हो सकता है कि धक्का ऐसी जगह लग जाए जिसकी वजह से आपको मिसकैरेज होने की संभावना बन जाए। तो इस वजह से सबसे पहले तो मना किया जाता है, भीड़ भाड़ में वैसे भी प्रेगनेंसी में नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगहों को अवॉइड करना चाहिए। अगला रीजन ये है कि जहाँ पे भी होलिका दहन होती है, होलिका दहन होने से पहले उस होलिका के इर्द गिर्द महिलाएं प्रदक्षिणा लगाती हैं, जल अर्पित करती हैं और इस जल को अर्पित करने की वजह से वो जो जगह है वो फिसलन भरी हो जाती है, पानी वहाँ ज्यादा हो जाता है, आपकी फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए वजन के कारण बैलेंस करने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगह पे जाना जहाँ बहुत ज्यादा पानी हो फर्श पर, जगह फिसलन भरी हो। इस वजह से आपको होलिका दहन में जाने से मना किया जाता है। अगले रीजन की अगर हम बात कर ले तो होलिका दहन के लिए जितनी भी सामग्री इकट्ठी की जाती है उसमें लकड़ी के अलावा भी बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं और इन सारी चीजों के जलने से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जिसको अगर आप इनहेल कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही ये जो धुआं है आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से आपको होलिका दहन में जाने से मना किया जाता है। अगला जो रीजन है वो ये है कि जब भी होलिका दहन किया जाता है तो उस दौरान जहां होलिका दहन हो रहा है वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वातावरण में गर्माहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस स्थान पर होलिका दहन होता है उसके चारों तरफ काफी दूर तक आग की वजह से गर्माहट हो जाती है वातावरण में, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है प्रेगनेंसी में आपके लिए। बढ़े हुए इस ताप की वजह से, इस हीट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आप बेहोश हो सकती हैं, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है आपके बच्चे तक, जो ब्लड फ्लो हो रहा है जिससे सारा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है उस पर, बच्चे तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के द्वारा हो रही है उसमें भी कमी आ जाती है। इससे बच्चे के ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये वो चार रीजंस थे जिसकी वजह से आपको मना किया जाता है कि अगर आप गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो होलिका दहन देखने नहीं जाएं आप। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई सलाह देता है कि आपको होलिका दहन नहीं देखने जाना चाहिए तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि आपको उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसको ख्याल है आपका और आपकी होने वाली संतान का। इस उम्मीद के साथ कि मेरा आज का ये वीडियो आप सभी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए काफी यूजफुल होगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो से आपको मिली होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।